अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। सो टुडेज वीडियो इज़ अबाउट द ट्रिक्स टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, कि आप किस तरह से कम टाइम में न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं और घुमा फिरा कर बातों को पूछा होता है, जिसकी वजह से आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और इवन फार्मूला पता होने के बावजूद भी आप एमसीक्यू गलत कर देते हैं, क्योंकि आपने तरीका सही फॉलो नहीं किया होता एमसीक्यू सॉल्व करने का। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू द इजीएस्ट वे टू सॉल्व द मोस्ट ट्रिकीस्ट एमसीक्यूज। सबसे पहले तो आपने अपना चैप्टर जो है वो प्रिपेयर कर लिया है, उसके बाद आपने प्रैक्टिस मटीरियल ढूंढना है, जो कि मैं अपनी रिसेंट वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप किन किन सोर्सेज को प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप कोई भी प्रैक्टिस बुक यूज़ कर लें किसी भी एकेडमी की, या फिर आप कोई ऑनलाइन सोर्स यूज़ कर लें। ऑनलाइन सोर्स में मैंने आपको मकसद ऐप रेफ़र की थी। उसका तरीका ये है कि आपने सबसे पहले ऐप को ओपन करना है, उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाते हैं, 3 डाउट सॉल्व, वीडियो लेक्चर्स एंड टेस्ट। आपने टेस्ट के ऑप्शन में जाना है, वहाँ पर एमडीकैट पर क्लिक करके आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। आपने फिज़िक्स को ओपन करना है। अब इस पर आपके पास हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं, बट इस वक्त फ्री में सिर्फ फोर्स एंड मोशन के अवेलेबल हैं, सो यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। अब यहाँ पर आपको 3 टेस्ट अवेलेबल हैं डिफरेंट नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ के साथ। अगर हम पैरा टेस्ट देखते हैं तो इसमें ये वैसे तो स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज़ हैं। अब हमने क्योंकि कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो वी विल सी अगर कोई हमें न्यूमेरिकल मिलता है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब इस न्यूमेरिकल में आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी है। अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे पहले तरीका होता है कि आपने गिवन डेटा को साइड पर लिख लेना होता है। तो अब सबसे पहले हमने देखना है कि इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन क्या इन्फॉर्मेशन है। अब मैं कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करती थी कि जैसे अगर कोई लंबी स्टेटमेंट है तो मैं स्टेटमेंट अगर साथ साथ पढ़ रही हूँ तो उसमें जो डाटा, जो इन्फॉर्मेशन मुझे यूज़फुल लग रही है उसे मैं साइड पर लिखती जाती थी, ताकि मुझे दोबारा दोबारा इतनी लंबी स्टेटमेंट पढ़नी ना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस स्टेटमेंट में सबसे फर्स्ट लाइन में आपको मास गिवन है विच इज़ 1 kg, तो आपने सबसे पहले साइड पर m = 1 kg लिख लेना। अब सेकेंड लाइन में जो आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो है कंप्रेस्ड स्प्रिंग। फर्स्ट ईयर के एक चैप्टर में आपको ये कुछ फार्मूलाज गिवन है, इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम और कंप्रेस्ड मास स्प्रिंग सिस्टम के केस में आपको फोर्स और डिफरेंट चीज़ों के मास के आपको फार्मूलाज गिवन है कुछ, तो आपको यहाँ पर स्प्रिंग और मास सिस्टम से रिलेटेड कोई फार्मूला अप्लाई करना है, इससे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एंड थर्ड लाइन में आपको एक्सेलरेशन गिवन है विच इज़ 5.6 m/s². और लास्ट लाइन में आपको ये पता चल रहा है कि आपने फाइंड क्या करना है विच इज़ द फोर्स ऑफ द स्प्रिंग। अच्छा, अब इसके लिए व्हाट आई यूज़ टू डू, जैसा कि मैंने अपनी फिजिक्स गाइडेंस वीडियो में बताया था कि मैं एक फार्मूला शीट यूज़ करती थी विच इज़ फ्रॉम फिजिक्स इन सेकेंड। उस फार्मूला शीट में हर चीज़ के फार्मूलाज मौजूद थे, पॉसिबल फार्मूलाज जो कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक्स में अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन चीज़ों के डिफरेंट चैप्टर्स में जो भी अलग अलग फार्मूलाज लिखे हुए हैं वो सारे एक साथ इकट्ठे करके एक ही जगह पर लिखे होते थे, तो मैंने अब वो फार्मूलाज याद किए होते थे, जितने भी फोर्स के पॉसिबल फार्मूलाज हैं, जितने भी मोमेंटम के हैं, एक्सेलरेशन के हैं, वो सारे मैंने याद किए होते थे। अब ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती थी मैं इससे अंदाज़ा लगाती थी कि यहाँ पर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे यहाँ पर फोर्स फाइंड करनी है तो गिवन इन्फॉर्मेशन मास और एक्सेलरेशन है, तो इन दोनों को यूज़ करते हुए मैं फोर्स का कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, 4-5 फार्मूलाज अगर फोर्स के हैं, अगर किसी में टाइम यूज़ हो रहा है, किसी में मोमेंटम यूज़ हो रहा है, किसी में वेलोसिटी यूज़ हो रही है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी गिवन नहीं, यहाँ पर मास और एक्सेलरेशन गिवन है, तो इन दोनों को अप्लाई करते हुए मैं फोर्स का कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद जो भी पॉसिबल फार्मूला बनता था मैं उसे अप्लाई करके उसका आंसर निकाल लेती थी। अब तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आपने इस एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करना है, तो अब आप सारे एमसीक्यू सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब अगर इसी तरह हम एक और एमसीक्यू देखें जिसमें आपको फर्स्ट लाइन में फोर्स गिवन है विच इज़ 8 N एंड ऑल्सो टाइम इज़ गिवन विच इज़ 4 seconds, उसके बाद सेकेंड लाइन में आपको मास गिवन है विच इज़ 16 kg। अब इसके अलावा इस लाइन में ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली रेस्ट में है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और लास्ट लाइन में आपको ये बताया हुआ है कि आपने फाइंड क्या करना है विच इज़ द चेंज इन स्पीड, जिसको हम डेल्टा वी से डिनोट करते हैं। अब आपके पास इन्फॉर्मेशन में 4 चीज़ें हैं, फोर्स, टाइम, मास और इनिशियल वेलोसिटी, और फाइंड आपको चेंज इन स्पीड करना है। यू कैन रिकॉल और यू कैन सी ऑन दैट फार्मूला शीट
कि आपको चेंज इन स्पीड के कौन कौन से फॉर्मूलाज गिवन हैं जिनमें ये इन्फॉर्मेशन फुलफिल हो सकती है, यानी कि आप इस इन्फॉर्मेशन को इन चार चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए कैसे कौन से फार्मूला अप्लाई करके चेंज इन स्पीड फाइंड कर सकते हैं, और इस तरह से जो भी अप्रोप्रिएट फार्मूला है वो आपने अप्लाई करना होता है और फौरन से आपका आंसर आपको मिल जाता है। इस एमसीक्यू को भी आपने सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। आई विल टेल यू कि आपने सही बताया या गलत। एंड ऑल्सो डू टेल मी कि आपको ये ट्रिक अप्लाई करके कुछ फ़ायदा हुआ भी है या नहीं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे इस ट्रिक से बहुत फ़ायदा हुआ था और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी मेरे फिजिक्स पोर्शन में ही आते थे। फार्मूलाज जो हैं वो सबको आते होते हैं, लेकिन आपको अगर तरीका एमसीक्यू को सॉल्व करने का सही आता है तो आप टाइम भी कम यूटिलाइज करते हैं और आप एमसीक्यूज भी बिल्कुल ठीक सॉल्व करके आप उसका आंसर सही से निकाल सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर आप ये ट्रिक सही से अप्लाई करते हैं तो आपके मार्क्स ज़रूर इम्प्रूव होंगे इन फिज़िक्स पोर्शन। और उस फार्मूला शीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, आप उसे डाउनलोड करें। और मेरी एडवाइस ये है कि आप उसका कोई प्रिंट निकलवा लें और जब भी आप कोई चैप्टर प्रिपेयर करें तो आप उससे रिलेटेड फार्मूलाज को एक बार अच्छी तरह से याद ज़रूर करें, और उसके बाद प्रैक्टिस एमसीक्यू आपने जब करने हैं तो आप अप्लाई करेंगे तो आपको वो फार्मूलाज कभी भी भूलेंगे नहीं। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड मकसद ऐप विद द लिंक आई एम प्रोवाइडिंग इन डिस्क्रिप्शन। और इसके अलावा अगर आपको इनकी ऐप के फीचर्स पसंद आते हैं, इनके टेस्ट, इनके वीडियो लेक्चर्स, इनके डाउट सॉल्व का ऑप्शन, तो आप इनकी ईयरली सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं विद माई प्रोमो कोड, जिस पर आपको 50% डिस्काउंट के साथ इनकी सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 5,000 में मिल सकती है। सो गो डाउनलोड द ऐप एंड यूटिलाइज योर फ्री क्विज टेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।